राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल जी नमस्कार। रवीश कुमार, मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया? कौन है, कहां से आते हैं? अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। ये सवाल मैंने पूछा। रुको जरा, सबर करो। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है। आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ दीज थ्रेट्स, ऑफ दीज डिस्क्वालिफिकेशंस, ऑफ दीज एलिगेशंस, ऑफ दीज प्रिजन सेंटेंसेस। आई डोंट केयर, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम। ओके, दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी येट। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम। दे आर यूज्ड टू एवरीबॉडी बीइंग स्केर्ड ऑफ देम। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम, राइट? एंड आई विल कंटिन्यू टू आस्क द क्वेश्चन। What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं, आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। आज के हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है जनता के बीच में जाने का। आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं, राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरी खुद है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है,
शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं। राहुल जी, राहुल जी, पूरी पूरी कांग्रेस पार्टी, सर पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन भी हुआ है, इस पर आप क्या देखिए? लीगल मैटर है, लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालिफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए, दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे।